हेलो एवरीवन, दिस इज अनाधा एंड वेलकम टू आवर न्यू मिस। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में डिफरेंसेस, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, कौन सा करना आपके लिए सही होगा और कौन से स्टूडेंट जो है कौन सा कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के बारे में कि बीएससी नर्सिंग जो है कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, पहले तो ये कि ये क्या होता है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये क्या होता है। तो देखिए, दोनों ही जो है नर्सिंग का फील्ड है, ठीक है। नर्सिंग के फील्ड में ये ग्रेजुएशन डिग्री देता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये नर्सिंग के फील्ड में बीएससी की सॉरी ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, ठीक है। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये भी जो है नर्सिंग के फील्ड में आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, यानी कि दोनों का ही लेवल जो है वो क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं और साथ ही साथ आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं अगर आप नर्सिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का स्कोप आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जॉब स्कोप तो इसमें बहुत ही ज्यादा है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो मेडिकल का एक ये भी जो है टॉप लेवल का कोर्स माना जाता है बीएससी नर्सिंग, तो आप जो है बिल्कुल इंटरमीडिएट के बाद जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी ये रही। अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कि कौन से स्टूडेंट ये कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जो है जीएनएम कर लिया है, ठीक है, अगर आपने नर्सिंग के फील्ड में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीएनएम होता है ये जो है डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है और उसके बाद जो है यानी कि ये डिप्लोमा करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग ना करके आप जो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक चीज यहां पर और है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम जो है बीएससी नर्सिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी 10+2 पीसीबी, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट पीसीबी से किया हुआ है, ठीक, तो आप जो है जरूर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है, तो ऐसे में आप जो है बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए कंपल्सरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जीएनएम की अगर बात करें तो जीएनएम जो है किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप आर्ट से हैं, ठीक है, आर्ट स्टूडेंट हैं तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं, कॉमर्स हैं तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं, अगर आपका पीसीएम है, ठीक है, इंटरमीडिएट, तो भी आप जो है जीएनएम कर सकते हैं, यानी कि एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट जीएनएम कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो वो ये डिप्लोमा जो है कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पीसीबी से नहीं है, अदर स्ट्रीम से है, ठीक है, और अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो है नर्सिंग में बीएससी वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि नर्सिंग में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी जो है ये एक तरीका होता है कि आप पहले जो है जीएनएम कर लें, जीएनएम डिप्लोमा कोर्स कर लें, ठीक है, इसके बाद जो है आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लें तो आपको नर्सिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन मिल जाएगा। अगर आप पीसीबी से हैं तो आप डायरेक्ट जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो है 4 ईयर का होता है, और यहीं पर अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की तो ये जो है आपका 2 ईयर का होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जीएनएम के बाद जो है ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो आपका ये 3+2 यानी कि टोटल जो है आपको 5 ईयर का टाइम देना होगा, यानी कि 5 ईयर में आपका जो है नर्सिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट पीसीबी से किया हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे और आपका जो है 4 ईयर में ही जो है नर्सिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 1 ईयर लॉस हो जाता है अगर आप जो है किसी अदर स्ट्रीम से हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने जीएनएम कर लिया है और जीएनएम के बाद जो है अगर आप ग्रेजुएशन लेना चाहते हैं नर्सिंग में, तो आपको यहाँ पर जो है 1 ईयर अपना लॉस करना पड़ेगा। वैसे अगर हम बात करें दोनों में जो है जॉब स्कोप में क्या डिफरेंसेज है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ये वाला बेस्ट है कि ये वाला बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, जॉब के आधार पर अगर हम बात करें
तो जॉब में जो है डिफरेंसेस नहीं होता है, दोनों ही लेवल एक ही माना जाता है। यानी कि जो पोस्ट आपको बीएससी नर्सिंग के लिए मिलेगी, यानी कि इसके बिहा पर जो मिलेगी, वही पोस्ट आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के भी बिहा पर जो है आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि नर्सिंग के फील्ड में कोई भी जॉब हो जो कि आप बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे करेंगे, वही जॉब जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगी। तो दोनों में जो है जॉब में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों के बेसिस पर जो है एक ही टाइप के जॉब आपको मिलते हैं। तो आप दोनों में से जो है कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट होता है। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरीके से एजुकेशनल जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।